हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, या फिर इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट एज क्रेडिट पॉलिसी। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड जो बच्चे इग्नू से एमकॉम कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा हर साल एग्जाम्स में आता ही आता है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, समझना है, एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स आल्सो, एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि क्योंकि बोर्ड पे सारे नोट्स हम लोग लिख नहीं सकते, तो मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे कीवर्ड्स या की सेंटेंसेस जो आपको मैं बोर्ड पे शेयर करता हूं इन एवरी वीडियो, तो आपको उसको समझना है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझना है एंड उसको डिस्क्राइब करना है। बिकॉज एग्जाम्स में अगर आप ऐसे ही टू द पॉइंट लिखोगे तो यू विल नॉट गेट एनफ मार्क्स। तो अगर एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करना है मार्क्स, बिकॉज ये थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी में आपको लिखना ही पड़ेगा, यू हैव टू राइट अलॉट। तो प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि पॉइंट्स को समझने के बाद में उसको अपने से आप एक्सपैंड करो, राइट? थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो आप इंग्लिश के लिए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओनली आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस फॉर दिस, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट विल बी अलाउड टू द कस्टमर्स। नाउ यहां से चीज समझ में आ जाती है कि क्रेडिट पॉलिसी क्या है ना, कि कितना क्रेडिट कस्टमर्स लोगों को देना है, ठीक है? एक तरीके की प्लानिंग है कंपनी की कि ओके फाइन, मेरे को ये बजट ये क्रेडिट देना है कस्टमर्स लोगों को, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। फाइन, नाउ क्रेडिट पॉलिसी में भी रिजिड और लिबरल। रिजिड का मतलब होता है जहां पे कंपनी थोड़ा सा हेजिटेट करती है क्रेडिट देने के लिए, इट हेजिटेट्स। एंड लिबरल मीन्स यू नो, मतलब जैसे ही चाहे आपको क्रेडिट दे दिया किसी को भी कितने भी पीरियड के लिए, ठीक है? नाउ रिजिड पॉलिसी में क्या होता है कि कंपनी की सेल्स कम हो जाएगी, बिकॉज यू नो उधार में जब माल बेचते हैं तो सेल्स ग्रो करता है, सेल इंक्रीज करता है, सेल इंक्रीज करेगा तो कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट इंक्रीज करेगी तो कंपनी का ग्रोथ और एक्सपेंशन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्रेडिट पॉलिसी किस तरीके का बनाना चाहिए, उसके दिमाग में क्या होता है जब वो क्रेडिट पॉलिसी जब प्लान आउट करता है, तो व्हाट ही थिंक्स अबाउट दैट। तो बेसिकली यू नो देयर आर फोर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। यहां पे क्रेडिट पॉलिसी हम लोग बात कर रहे हैं लिबरल पॉलिसी की, जहां पे कंपनी रेडीली क्रेडिट में माल सप्लाई करती है। नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सेल्स, वेरी सिंपल। अगर क्रेडिट यू नो एक फर्म कैश में है, कैश में माल बेचता है, दूसरा क्रेडिट में बेचता है, तो ऑब्वियसली जो क्रेडिट में बेच रहा है उसका माल ज्यादा बिक्री होगा, राइट? सो इन दैट वे देन टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, इफ सेल्स विल इंक्रीज द प्रॉफिट्स विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी सिंपल। नाउ टू मेंटेन लिक्विडिटी, नाउ लिक्विडिटी मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्टॉक्स इन टू कैश, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। तो अगर स्टॉक्स फटाफट कैश में अगर कन्वर्ट होते हैं, दैट मीन्स द कंपनी हैज रेडी कैश विद इट, उसके कैश फ्लो अच्छे हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उसको उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है क्रेडिट पॉलिसी। देन टू फेस कॉम्पिटिशन, अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन है, हैवी कॉम्पिटिशन है, और अगर कॉम्पिटिटर्स अगर क्रेडिट दे रहे हैं तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू स्टैंड इन द मार्केट टू फेस द कॉम्पिटिशन। तो लाइक दिस, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको आपको एक्सपैंड करके आंसर्स को क्रिएट करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही आता है, बार बार आता है। वेल इट इज आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉपिक इज क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ फर्म। नाउ आई हैव रिटन फोर फैक्टर्स, फर्स्ट क्रेडिट स्टैंडर्ड, द सेकंड क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट एंड कलेक्शन। फाइन, so these four factors are the major factors that affect the credit policy of a firm. Now let's see how credit standard affect the credit policy. Now again, credit standard, when we talk about credit standard, we talk about
जनरली यू नो फाइव सीज व्हाट आर दोस, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल एंड कंडीशन. आपको एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना है, राइट? तो जैसे कैरेक्टर, यहां पे कैरेक्टर बोला गया है बायर का. व्हाट इज हिज कैरेक्टर, उसका पेमेंट पॉलिसी कैसा है, वो टाइम से पैसे देता है कि नहीं देता है, तो दैट इज हिज कैरेक्टर. तो इस चीज का कंपनी को ध्यान देना है, राइट? एनालाइज करना है सारे जो बायर्स है, बायर्स बिहेवियर शुड बी एनालाइज्ड. देन कैपेसिटी, कि बायर्स का यू नो कैपेसिटी कैसा है, उसके पास में कैपिटल कितनी है, हाउ मच कैपिटल ही हैज इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस एंड यू नो हिज मार्केट वर्दीनेस, उसके मार्केट में उसकी पॉलिसी कैसी है, उसका मार्केट में गुडविल कैसा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर यू नो डिटरमाइंड इन कैपेसिटी. देन कैपिटल, हाउ मच कैपिटल ही हैज इन्वेस्टेड, राइट? सो दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. Then collateral. Now collateral, in simple words, we can say security. If a buyer is giving any type of security to the company for offering credit to him, then that also can be considered. Because you know, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो नए buyers होते हैं, fresh new buyers, तो वहाँ पे company उनको directly credit देना नहीं चाहेगी. तो obviously the company will ask for some type of security or collateral. तो अगर बायर अगर वो दे देता है, इट्स वेल एंड गुड, द कंपनी कैन गिव क्रेडिट, बिकॉज बैड डेट्स होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे. एंड देन कंडीशन, इफ यू नो ए कंपनी इम्पोजेस एनी टाइप ऑफ कंडीशन, जैसे कि मान लो कि अगर आप ए कंपनी कैन आस्क अ डेटर कि भाई आप अगर 15 दिन में दोगे यू विल बी गेटिंग 2% डिस्काउंट, अगर आप 30 डेज में दोगे तो यू विल बी गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 1%, एंड इफ 30 डेज के बाद में दोगे then you will not be able to avail any discount. तो इस टाइप के conditions भी एक company impose कर सकती है. Now let's move on to the next one, and that is credit period. Credit period is the you know the length, the duration in which a customer pays back the money to the company. ठीक है, तो ये भी बहुत important है, because you know इसके ऊपर पूरा cash turnover, cash flow रुका हुआ है. ये क्रेडिट पीरियड जितना ज्यादा होगा कंपनी को उतना ही वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस. तो ये क्रेडिट पीरियड हमेशा छोटे रखने में अच्छा है, बिकॉज यू नो वहां पे आपको लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी एंड द कंपनी कैन यूज दैट मनी इन इट्स ऑपरेशन. फाइन, नाउ क्रेडिट पीरियड की भी जब बात करेंगे, देयर आर फोर फैक्टर्स जो क्रेडिट पीरियड जब कंपनी डिसाइड करती है तो ये चार फैक्टर्स का ध्यान जरूर देती है. बायर्स स्टॉक टर्नओवर, बायर यानी कस्टमर वो कितना माल लेता है, हाउ मच, व्हाट इज हिज ऑर्डर. अगर छोटा ऑर्डर है देन यू नो क्रेडिट मे नॉट बी ऑफर्ड, या फिर क्रेडिट उसको बहुत कम पीरियड के लिए देंगे. और अगर वो यू नो क्वांटिटी में अगर परचेस करता है, बहुत ज्यादा माल ले रहा है, बाय कर रहा है, देन ही कैन बी ऑफर्ड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब उसकी जो क्रेडिट पीरियड है वो लंबी कंपनी दे सकती है. फाइन, देन कॉम्पिटिटर्स अप्रोच. नाउ यू नो दिस इज द एज ऑफ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन हर जगह पे है, कंपनी को भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स फेस करने पड़ते हैं. नाउ यहां पे अगर कॉम्पिटिटर्स, एक कंपनी के कॉम्पिटिटर्स अगर वो अगर क्रेडिट, वो कितना पीरियड के लिए क्रेडिट दे रहे हैं, राइट? वो लोग 15 डेज के लिए दे रहे हैं, या फिर 20 डेज, या फिर 30 डेज, या 90 डेज. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली द कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स क्रेडिट पॉलिसी. ओके, देन नेचर ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी का नेचर कैसा है, वेदर इट इज यू नो इट इज अ प्रोड्यूसर गुड्स और ए कंज्यूमर गुड्स और ए पेरिशेबल गुड्स. ये गुड्स कैसा है, जनरली पेरिशेबल गुड्स में तो क्रेडिट बहुत ही कम होता है, एक दो दिन का होता है. एंड यू नो इन केस ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स लाइक मशीन्स, तो वहां पे लंबी उधारी चलती है. फाइन, क्योंकि काफी कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है, एंड इतना सारा अमाउंट कोई भी बायर देना नहीं चाहेगा एक साथ, है ना? सो लाइक दैट. देन प्रॉफिट मार्जिन. अगर कंपनी प्रॉफिट मार्जिन अगर अच्छी रखती है, अगर उसको 10% प्रॉफिट की जगह पे 20% मार्जिन अगर रखती है, तो इट कैन गिव क्रेडिट, नो प्रॉब्लम. लेकिन देयर आर फ्यू कंपनीज जो कॉस्ट टू कॉस्ट काम करती है, दैट मीन्स वो बहुत ही कम प्रॉफिट रखती है, तो वो इतनी लंबी उधारी कभी नहीं देंगे. दे विल ऑलवेज आस्क फॉर कैश. फाइन,
Then third one is cash discount. Cash discount generally credit policy में इसका बहुत ही important role है. If a company is offering cash discount, in fact every company does this. अगर it offers a cash discount, जैसे अगर cash में लोगे तो उसका अलग rate, अगर credit में लेना है तो उसका अलग rate, ऐसा होता है. तो जनरली यू नो कैश डिस्काउंट अगर कंपनी अगर रेज कर देती है, बढ़ा देती है, एंड इट विल मेक द बायर्स, इट विल इंप्यूट द बायर टू यू नो टू पे इमीडिएटली, इमीडिएट कैश, बिकॉज कैश कैश डिस्काउंट बायर को मिल रहा है, वो सस्ते में माल खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन. सो कैश डिस्काउंट इज अ वेरी गुड फैक्टर फॉर दिस. देन कलेक्शन एफर्ट्स. Now every company collection, एक बार आपने माल उधार दे दिया, right? Now आपको कैसे उगलवाना है, मतलब how to take that back? Market से receivables कैसे collect करने हैं? एक तो तरीका है प्यार से, फोन से, लेटर से, you know, एक तो वो तरीका हो गया जहां पे moderately we ask for payment. And the other way is, you know, by force. धमकी वगैरह देना या फिर कोर्ट में केस करना या फिर आदमियों को भेजना. सो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द डेटर्स. सो आई विल से दैट द फर्स्ट टेक्निक इज गुड, प्यार से, ओवर फोन, बाय लेटर्स, बाय ईमेल्स. सो यू जस्ट यू नो उनको रिमाइंड करना कि भाई आपका क्रेडिट यहाँ पे इतना दिन में इतना आपका अमाउंट ड्यू हो रहा है, सो प्लीज काइंडली पे दैट. तो लाइक दिस कोई भी तरीके का यू नो हार्ड रूल यूज नहीं करना है टू कलेक्ट द डेट्स, राइट.